हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो वाला पुलाव बनाएंगे, इसे बनाने के लिए हमें 15 कलर चाहिए, वाइट, लेमन येलो एंड ऑरेंज। ऑब्वियसली वाइट जो पंच नहीं होगा, ये मैं फ्लैट पे यूज कर रही हूँ 3 नंबर का। और यहाँ अच्छी तरह से पूरा वाइट का कोट कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद हम लेमन येलो और ऑरेंज कलर का खेल देंगे। तो हम फर्स्ट ऑरेंज कलर लेंगे और उसकी आउटलाइन करेंगे हाफ पोर्शन में, जैसे कि लीफ में करते हैं कि इस तरह से हाफ में तो शेड कर देंगे। इसके बाद हम लेमन येलो कलर लेंगे और इसका भी शेड इसी तरह से होगा हाफ में, और बस ये लीफ रेडी है। इस तरह से पूरा फ्लावर बना लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार बनाएंगे आपको फर्स्ट टाइम में ही अच्छा बनेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से आप चाहे तो पहले लेमन येलो करें या बाद में, और अगर आप जल्दी बनाना सकते हैं या फिर जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप पूरे में वाइट एक साथ कर ले, उसके बाद आप कलर वाला करें। बट आप इस कलर को सूखने से पहले करें, क्योंकि वाइट कलर सूख जाएगा तो शेड बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी मेरा बच्चे को सब्जी चाहिए। आगे की बट बनाएंगे जो एक छोटी सी कली बनी हुई है, वो नीचे की फ्लावर से है। ये पूरी एक बेडशीट है, बाद में आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी इसकी। तो यहाँ हमने वाइट कलर किया है और इसमें हम सैप ग्रीन कलर लेंगे। यहाँ लाइट ग्रीन दिख रहा है बट ये सैप ग्रीन कलर है। सैप ग्रीन कलर से हम इस तरह से लाइन्स कर लेंगे, और फिर ये मजेंटा कलर है, इसे लाइट पर्पल कलर, उसको हम बहुत हल्का शेड देंगे। नहीं, वाइट बिल्कुल नहीं दिखना, बट जब मैंने बीच में लाइन की है उसका थोड़ा सा ग्रीन भी शेड आ जाएगा उसमें। तो चारों तरफ से इसके हम लाइंस कर देंगे सेम ग्रीन कलर से। ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।